हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नागिन का जो स्पेशल एपिसोड दिखाया गया था कलर्स टीवी पर, बसंत पंचमी स्पेशल एपिसोड, उसका टीआरपी के बारे में। और उसका टीआरपी कल आ गया था, कल मैंने वीडियो नहीं बना पाया तो आज लेके आ गया। और जो टीआरपी बोले तो जो नागिन बसंत पंचमी का जो स्पेशल एपिसोड था उसका टीआरपी आया है 1.7, बहुत कम है ना। हमें तो लगा था ये एपिसोड 2+ होगा, ऐसा लगा था, बट इसमें तो सिर्फ 1.7 टीआरपी ही मिली। जो कुछ तो है, नागिन एक निरंग में जो स्पिन ऑफ आया था नागिन सीजन 5 का, उसका भी जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें भी 1.7 ही आया था। तो देखे तो कुछ तो है, तो एक बहुत बड़ा फ्लॉप रहा था, सिर्फ एक महीना चला था, सिर्फ 8 या 10 एपिसोड था उस सीज़न का। तो लगता है क्या होगा नागिन सीज़न 6 का जो टीआरपी होगा जो नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या इस बार ये सीज़न वो धमाल कर पाएगा जो पिछले सीज़न में किया था, जो 4th और 5th ने नहीं कर पाया। जो टीआरपी में 1, 2 और 3 ने तो टीआरपी में कमाल कर दिया था नागिन के सीज़न ने, लेकिन सीज़न 4 भी इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन सीज़न 5 और जो स्पिन ऑफ था उसमें तो टीआरपी पूरी नीचे गिर गई थी। तो देखते हैं नागिन सीज़न 6 की टीआरपी कितनी आती है। ये देख कर तो मुझे डर लग रहा है कि टीआरपी तो बहुत कम आया बसंत पंचमी का। तो देखते हैं क्या आता है, और आप भी कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है जो नागिन का जो फर्स्ट एपिसोड का टीआरपी है वो कितना आने वाला है। तो टिल देन, गुड बाय।